नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं आपका खास प्रोग्राम भोजपुरी दंगल। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है, हम अपने भोजपुरी दंगल में इन दिनों आप सभी लोगों के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री की अलग अलग खबरों को बिल्कुल विस्तार पूर्वक आप सभी लोगों को बताते हैं और जानकारियां देते हैं कुछ खास। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम शुरुआत ही करेंगे कुछ ऐसी खबर से जिसके बारे में आपको जानकर हैरानी होगी। जी हाँ, इन दिनों हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के जुबले स्टार यानी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की फिल्म की चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है। फिल्म को लेकर उनकी फिल्म बॉर्डर, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री की एक ऐसी फिल्म बन गई है जिसकी शायद हर किसी हर स्टार ने जमकर तारीफ की है, यहाँ तक कि बॉलीवुड के स्टार्स ने भी इस फिल्म से, बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं उनकी फिल्म भी इस फिल्म के आगे फीकी पड़ती आई है नज़र। अब तक के रिपोर्ट में हमने आपको बॉर्डर फिल्म से जुड़ी तमाम जानकारियां, तमाम बातें बताई हैं, लेकिन आज एक ऐसी खबर सामने आई है जो आप सभी को हैरान कर देगी। आप सभी लोगों को मालूम ही था कि हमारे दिनेश लाल यादव निरहुआ अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए बिहार के कई जगहों पर जाकर उन्होंने मैच खेला था, मैच जीता था, लोगों का दिल जीता था और इसकी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया के जरिए कई बार शेयर की। लेकिन इस सब के बीच जुबले स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ शायद ये बताना भूल गए कि उनके स्टेज शो में काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ था। बिल्कुल आप लोग सही सुन रहे हैं, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ कि निरहुआ का जो मैच हुआ था उस मैच में खबर ऐसी आई है कि उस मैच के दौरान काफ़ी सारी पब्लिक का, काफ़ी सारे भोजपुरी दर्शकों की तरफ से तोड़फोड़ भी की गई थी, वहां पर काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ था। लेकिन आखिरकार इसके पीछे की वजह की क्या थी, किस मैच में, किस जगह पर, बिहार के किस राज्य में आखिरकार दिनेश लाल यादव निरहुआ के ऊपर भोजपुरी दर्शकों का गुस्सा फूटा, ये जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था और इसी वजह से हमने आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए ये पूरी खबरें, पूरी जानकारी विस्तार से आपको बताने की कोशिश की है। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भोजपुरी फिल्म स्टार्स दिनेश लाल यादव निरहुआ की टीम एक स्थानीय जगह के बीच होने वाले क्रिकेट मैच में हंगामे की भेंट चढ़ गई। जी हां, कलाकारों के कभी लेट होने से और उन्हें लेट पहुंचने पर नेहरू स्टेडियम में जुटी हजारों की भीड़ अनियंत्रित हो गई। जी हां, मैदान के बीच में घुसकर भीड़ में ही मारपीट और हंगामा शुरू कर दिया, वहां रखी कुर्सियां तोड़फोड़ करने लगे। फिल्म स्टार के निजी कारणों से हाथापाई की गई। जी हां, भीड़ की अनियंत्रित करने के लिए पुलिस बल के साथ आयोजकों को भारी मशक्कत करनी पड़ी। निरहुआ ने मंच से दर्शकों को शांत करने की अपील की, मगर इसका भी असर नहीं हुआ। मामला बिगड़ता देख पुलिस के जवानों ने आयोजकों ने कलाकारों को वहां से बाहर निकाला। मालूम हो कि शुक्रवार को स्टेडियम में निरहुआ के नेतृत्व में फिल्म कलाकारों और महापौर और उपमहापौर के नेतृत्व वाली पार्षदों की टीम के बीच क्रिकेट मैच होना था। इसका समय दोपहर 3 बजे का तय हुआ था। महापौर की टीम निर्धारित समय पर पहुंच गई, मगर कलाकारों की टीम रात के आठ बजे तक नहीं पहुँच पाई। तो वही महापौर और उपमहापौर के साथ टीम के अधिकार खिलाड़ी लौट गए। वहीं दूसरी ओर कलाकारों को देखने के लिए स्टेडियम में उमड़ी भीड़ पर धैर्य जवाब देने लगा। जैसे कि निरहुआ मैदान में पहुंचे, भीड़ अनियंत्रित हो गई। मैदान के किनारे रखी कुर्सियां तोड़फोड़ होने लगी। स्टेडियम में अंधेरे के कारण बड़े हादसे की आशंका को देखते हुए पुलिस बल के जवान और निजी लोगों ने मोर्चा संभाला। वहीं कलाकार को बचाने के क्रम में उनकी भीड़ में शामिल लोगों से मारपीट भी हुई, कई लोगों को चोट भी लगी। लेकिन आप सभी को ये भी जानकारी दे दे, दरअसल में हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के जुबले स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अपनी फिल्म, जी हां, अपनी फिल्म का प्रमोशन करने का एक नया तरीका निकाला, जिसमें वो बिहार के कई राज्यों में गए और वहां पर जाकर उन्होंने मैच खेला। मैच खेलने के साथ साथ उन्होंने मैच जीता भी, मैच में काफ़ी सारी उन्होंने ट्रॉफियाँ भी जीती। और सिर्फ जुबले स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ही क्यों, बाकी की जो टीम थी वो भी मैच खेली और उस मैच पर विजय पाया। लेकिन अगर हम बात करें जुबले स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के लेट होने पे, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो गलती स्टार्स की तरफ से है। अगर जो समय पर मैच खेलने पहुंच जाते तो शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन
इन सब के बावजूद, स्टार्स के लेट होने के बावजूद वहाँ पर लोग गलत पहुँच नहीं पाए। लेट पहुँचने की वजह से वहाँ पर जो दर्शक थे, वहाँ के जो फैंस थे, उनका जो गुस्सा था वो भड़क उठा, और उनका जो गुस्सा था वो काफ़ी ज़्यादा भड़क उठा, और इसी वजह से वो वहाँ पर तोड़फोड़ करने लगे। लेकिन देखा जाए तो जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के कहने पर और उनसे विनती करने पर कई लोग वहाँ पर शांत भी हुए, तो कई लोगों का तोड़फोड़ जारी रहा, जिसकी वजह से पुलिस का सहायता लेना पड़ा। वैसे आप लोगों को ये भी बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में इस तरह की प्रमोशन फिल्म को शूट किए जा रहे हैं। इस तरीके से प्रमोशन किया जा रहा है किसी फिल्म का, इस तरीके से प्रमोशन किया जा रहा है भोजपुरी फिल्म का, और इसी वजह से देखा जाए तो जुबली स्टार दिनेश लाल यादव इसी के साथ भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी वजह से देखा जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री के जुबली स्टार यानी दिनेश लाल यादव निरहुआ हर बार की तरह एक बार फिर से बाजी मार गए हैं। चलिए, जब अगर जो भोजपुरी इंडस्ट्री के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की बात हो ही रही है, तो उनकी फिल्म से जुड़ी भी आपको कुछ खासा जानकारियां देते चले। जी हाँ, फिल्म प्रमोशन में तो जहाँ दिनेश लाल यादव निरहुआ ने घर घर जाकर, घर घर कह लीजिए या फिर बिहार के कई जगहों पर जाकर जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अपनी फिल्म का प्रमोशन किया तो किया, साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर एक चैलेंज भी डाल दिया। जी हाँ, और वो चैलेंज था, वीडियो में भारत माता की जय बोलकर आपको वो वीडियो शेयर करना है। और भोजपुरी के कई दर्शक जो कि हमारे भोजपुरिया के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव के फैन हैं, उन्होंने ऐसा किया भी है। और फैंस ही क्यों, जी हाँ, भोजपुरी के कई ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की इस फिल्म कर तारीफ की और उनके चैलेंज को एक्सेप्ट किया और भारत माता की जय बोलकर उस वीडियो को शेयर किया, जिस वीडियो को खुद जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ भी कई लोगों के वीडियो अपने इंस्टा अकाउंट पर, अपने ट्विटर अकाउंट पर, अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर कर चुके हैं। और हाल ही में देखा जाए कुल मिलाकर तो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ लाइव आने के साथ ही उन्होंने अपनी फिल्म बॉर्डर से जुड़ी तमाम जानकारियां साझा की और साथ में हमें ये भी बताया आप लोगों को कि आखिरकार उनकी फिल्म कमाई के मामले में कितना ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ रही है, कितनी आगे बढ़ रही है। और ये देखा जाए तो कुल मिलाकर काफ़ी शानदार तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जलवा ढा रही है। खैर दोस्तों, हर बार की तरह एक बार फिर से ये हो देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार जब फिल्म की शुरुआत इतनी धमाकेदार रही है तो शुरुआत के बाद ये फिल्म कब तक बॉक्स ऑफिस पर ऐसे ही अपने कहानी से और अपने एक्शन जैक्शन से जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की फिल्म कमाल करती रहती है। तो देखा आपने दोस्तों कि किस तरह से हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की फिल्म जो बॉर्डर अभी दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। इस फिल्म को देखने के बाद दर्शकों की तरफ से सिर्फ एक ही बात सामने आ रही है, उनके जुबान पर सिर्फ एक ही बात आ रही है कि वाह क्या फिल्म बनाई गई है। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ ऐसी खबरें भी आई भोजपुरी इंडस्ट्री में इस फिल्म से जुड़ी हुई, भोजपुरिया दर्शकों से जुड़ी हुई, जो कि हर किसी को हैरान करने वाली थी। और ये खबर हमने आपको सबसे पहले अपने प्रोग्राम के जरिए आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश की है और देखते हैं कि आखिरकार दिनेश लाल यादव निरहुआ की ये जो फिल्म है बॉर्डर, इतने मुश्किलों का सामना करने के बाद, फिल्म में इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद, फाइनली ये फिल्म रिलीज़ होने के बाद अब दर्शकों का जो दीवानापन है फिल्म के प्रति, जो दीवानगी है, वो कब तक चलती है, यानी कब तक बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म रिलीज होने के बाद धमाल मचाती है, कितनी कमाई कर पाती है, इस पे हमेशा हमारी नजर बनी रहेगी। और हम कोशिश करेंगे कि हम आपको बॉर्डर से जुड़ी, जी हाँ, भोजपुरी की सबसे बड़ी फिल्म अभी के समय में बनी हुई बॉर्डर फिल्म से जुड़ी खास जानकारियां, खास बातें आप सभी को सबसे पहले हम अपने चैनल के माध्यम से, अपने प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाते रहे।
और उम्मीद करते हैं आप सभी भी हमारे इस प्रोग्राम को और हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे। अगर जो आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो अभी कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, और भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल यानी नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक पहुँच सके, कोई भी खबर, कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। और हम भी कोशिश करें कि हम आप सभी को भोजपुरी इंडस्ट्री के, भोजपुरी सितारों के और भोजपुरी समाज की से जुड़ी तमाम खबरें आप सभी तक पहुंचाते रहे। तब तक भोजपुरी दंगल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।